संसद भवन आज पर्यावरण से जुड़े एक अलग आयाम का गवाह बना। पर्यावरण संरक्षण को अपने जीवन का मिशन बनाने वाले छोटे छोटे बच्चों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से संसद भवन में मुलाकात की। देश के विभिन्न राज्यों के 7 से 13 साल के बच्चों ने मिलकर इको आर्मी बनाई है। So, Eco Army is an environment-related group who does both groundwork and spread awareness about the multiple environmental issues in the world. मैंने Eco Army इसलिए join किया ताकि मैं पर्यावरण पर ज़्यादा action-based awareness spread कर सकूँ। मैं एक environmental entrepreneur हूँ और मैंने कई environmental schemes discover और बनाए हैं, जैसे घर का bioplastic जो बिल्कुल बायोडिग्रेडेबल है और ऑरेंज पील के बने हुए सोफास। मैं एक इको ब्रिक्स स्पेशलिस्ट हूँ और मैंने इको ब्रिक्स के साथ स्टूल और प्लांट होल्डर्स भी बनाए हैं। मुझे आशा है कि आप सबके इन यूथ ब्रिगेड, मैं कहता हूँ बालक ब्रिगेड में, जो इको आर्मी के प्रति किस तरीके से हम सेना पर जिस तरीके से रक्षा करने का काम देश की सीमाओं पर हमारे सैनिक करते हैं, आप पर्यावरण की रक्षा करने का जो आपका संकल्प है निश्चित रूप से नई पीढ़ी को नई प्रेरणा देगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। इको आर्मी पर्यावरण से जुड़ी अलग अलग समस्याओं को लेकर काम कर रही है। पर्यावरण के 3 पौ, पेड़, पानी और पॉलिथिन के विषय में ये बच्चे अपने अपने स्थानों पर लोगों को जागरूक करते हैं। केरल, कर्नाटक, बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली के इन बच्चों ने अभी तक अपने अपने क्षेत्रों में स्वच्छता और पौधारोपण को लेकर कई अभियान चलाए हैं। इनके कार्यों से प्रभावित होकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इन्हें संसद भवन अपने कार्यालय में बुलाकर बातचीत की और इनका उत्साह बढ़ाया।